आज हम बनाएंगे एक प्यारा सा डिश जो कि देसी डिश बनेगा, वो है आप जो बनाएंगे पकौड़ी बनाएंगे, भजिया क्या बोलते हैं, इसी को बनाएंगे और साथ में फिर मस्त खाएंगे। तो इसके लिए हमें पहले जरूरत पड़ेगा, सबसे पहले बंडा गोभी ले लेंगे, फिर प्याज ले लेंगे, फिर मिर्च ले लेंगे, इसको अच्छे से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद आराम से पानी के साथ सानेंगे, थोड़ा सा सोडा दे देंगे, उसके बाद नमक दे देंगे और जो जीरा धनिया जो देना है इसको थोड़ा अपना हिसाब से डाल लें, नमक अपने हिसाब से दे दें। इसके बाद हमारा अगला प्रोसेस है, बस कढ़ाई में तेल को डालना है, बस तेल को गर्म होने के लिए वेट करना है। तेल गर्म हो गया, इसके बाद ये जो बैटर को हम लोग सने थे, आलू चॉप का जो मसाला है जो हम लोग मसाला बनाने वाले थे, इसके लिए हमें सीधा आलू चाहिए, बॉयल किया हुआ आलू को हम लोग उबालने के बाद उसको निकाल के थोड़े से अदरक और लहसुन थोड़े से प्याज इसको अच्छे से कूट लेंगे। कूटने के बाद हम लोग इसको फिर से आराम से बनाएंगे धीरे धीरे प्रोसेस। इसको कूटने के बाद हल्का सा तेल देके इसको भुनेंगे, भुनने के बाद इसमें जो हमने बॉयल हुआ आलू उसको डालेंगे, उसको अच्छा से चोखा बनाएंगे, पेस्ट बनाएंगे। उसके बाद उसके हम लोग डालेंगे नमक हल्दी थोड़ा सा डाल के इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे। अच्छा से देखिए मसाला कितना अच्छा से रेडी हो गया है। उसके बाद हम लोग इसमें करना है एक इसको उतारना है, थोड़ा ठंडा करना है क्योंकि नहीं तो इसका हम लोग छोटा छोटा लोइयां कैसे बनाएंगे। इसके थोड़ा थोड़ा एक गोल गोल लड्डू बनाना है। उसके बाद इसको हल्का सा चिपटा करना है, फिर बेसन के बैटर में जो हम लोग इसको छाने थे उसको हम लोग को डुबाना है। डुबाने के बाद इसको हम लोग को गर्म हुए तेल में इसको डालना है। तो चलिए ये हमारा आलू चॉप हो गया रेडी। अब हम लोग बनाते हैं पकौड़ी के लिए। पकौड़ी के लिए भी हमने आपको बता दिया, गोभी वगैरह लेना है, इसको सब काट के आराम से इसको छानने के बाद इसको गर्म तेल में छानना है। देखिए बनने के बाद कितना टेस्टी लग रहा है, वाह एक नंबर।